बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइबोसोम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि राइबोसोम क्या है, राइबोसोम की स्ट्रक्चर क्या है और राइबोसोम की फंक्शन क्या है, और इसके साथ साथ जो है हम इसके स्टेज और उसकी डिस्कवरी के हवाले से भी बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं राइबोसोम के। अब हम राइबोसोम की डिफिनीशन करते हैं। तो राइबोसोम है हमारे साथ, ये है हमारे साथ छोटे छोटे दानों की तरह से होते हैं, स्मॉल ग्रैनुलर होते हैं, राउंडेड ऑर्गेनिन, और हमारे साथ जो है राउंड होते हैं, ठीक है। इन दी साइटोप्लाज्म, और ये जो है साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है और ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ या तो अटैच होगा और या ये तो प्रीपॉम में होगा। तो ये जो हमारे साथ जो है ये राइबोसोम है, ये अटैच होता है रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, जिसको हम कहते हैं अटैच राइबोसोम, जिसको हम कहते हैं अटैच फॉर्म, ठीक है। और ये हमारे साथ क्या है, ये फ्रीली है, ठीक है, ये अटैच नहीं है, जिसको हम कहते हैं प्रीफॉर्म, ठीक है। इसके डिस्कवरी के हवाले से बात करते हैं कि राइबोसोम किसने डिस्कवर किया था। हमारे पास एक सेल बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था जॉर्ज ई फिलाडे, उन्होंने 1955 को राइबोसोम को डिस्कवर किया था, ठीक है। उसके बाद हम इसके साइज़ के हवाले से बात करते हैं कि राइबोसोम के साइज़ क्या है। राइबोसोम की जो साइज़ है वो हमारे पास है 25 to 30 नैनोमीटर एंड डायमीटर। इसके बाद हम राइबोसोम की नंबरिंग करते हैं कि हमारे पास एक सेल में कितने राइबोसोम होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है बैक्टीरियल सेल का, यानी हमारे साथ एक बैक्टीरिया एक सेल में 10,000 राइबोसोम होते हैं, यानी एक सेल में बैक्टीरिया के एक सेल में हमारे पास 10,000 राइबोसोम होते हैं। अब हम इसकी कंपोजिशन के हवाले से बात करते हैं कि ये राइबोसोम के कंपोजिशन क्या है। ये जो राइबोसोम है इसकी कंपोजिशन जो है, इसमें एक आरएनए है और दूसरा प्रोटीन है, ठीक है। तो ये जो है इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, यानी इसमें जो है 50% आरएनए है, ठीक है, और 50% जो है प्रोटीन है। तो ये थी इसकी कंपोजिशन, यानी ये जो राइबोसोम है ये बना है आरएनए से और प्रोटीन से। फॉर्म के हवाले से बात करेंगे, यानी फ्री फॉर्म में होते हैं और अटैच फॉर्म में होते हैं। तो हमने पहले ये डिस्कस किया कि फ्री फॉर्म क्या होता है, कि वो जो है फ्रीली होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं फ्री फॉर्म। और अटैच फॉर्म में होता है कि जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो राइबोसोम अटैच होते हैं, जिसको हम कहते हैं अटैच या बाउंडेड राइबोसोम। अब हम इसके स्ट्रक्चर के हवाले से बात करते हैं, नो मेम्ब्रेनियस, यानी जो राइबोसोम है इसकी मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, इट हैव नो मेम्ब्रेन, और इसके साथ जो है टू सब यूनिट, और ये जो है टू सब यूनिट रखते हैं, एक को हम कहते हैं लार्ज सब यूनिट और दूसरे को हम कहते हैं स्मॉल सब यूनिट। तो यहाँ हमने डायग्राम ड्रा किया हुआ है और यहाँ हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को लिखा है, यहाँ हमने लिखा है लार्ज यूनिट एंड स्मॉल यूनिट, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा है कि प्रोकैरियोट में जो है 70s होता है, टोटल कितने होते हैं 70s होते हैं, और यूकैरियोट में 80s होता है। फिर ये जो 70s है हमारे साथ बना है 50s से और 30s से। ये जो हमने बात की कि इसमें दो सब यूनिट है, तो सब यूनिट में एक लार्जर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट में जो है वो 50s है, और स्मॉलर जो सब यूनिट है इसमें है 30s, और इसे टोटल बना है 70s, ठीक है। बात करते हैं यूकैरियोट की, यूकैरियोट में जो लार्ज सब यूनिट है वो 60s है और जो स्मॉल सब यूनिट है वो है 40s। इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया है, उन दोनों ने मिलकर बनाया है 80s, ठीक है। अब प्रोकैरियोट सेल है इसमें 70s होगा और जो यूकैरियोट है इसमें 80s होगा। ब्लास्टेड है माइटोकॉन्ड्रिया, ब्लास्टेड और प्रोकैरियोट में 70s होगा और यूकैरियोट में 80s होगा, ठीक है। अब हम इसकी फंक्शन के हवाले से बात करते हैं कि राइबोसोम की फंक्शन क्या है। हम डिस्कस करते हैं कि राइबोसोम की फंक्शन क्या है। तो राइबोसोम की जो फंक्शन है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम जो है हमारे बॉडी में प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। अब हम बात करेंगे कि राइबोसोम कहाँ बनते हैं। ये सेल है, सेल में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। इस न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियोलस है इसमें राइबोसोम बनता है, इसको हम कहते हैं द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। हम बात करते हैं पॉलीसोम के हवाले से। हमारे साथ जो है ये सेल है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है। जब न्यूक्लियस से मैसेंजर आरएनए बाहर निकलता है, ठीक है, जब न्यूक्लियस से मैसेंजर आरएनए बाहर निकलता है तो इस पर जो है राइबोसोम एक ग्रुप की शक्ल में जो है अटैच होता है। तो इस ग्रुप की शक्ल में अटैच होने को हम कहते हैं पॉलीसोम। ये जो एस है, ठीक है, ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था स्वेडबर्ग, उन्होंने ये डिस्कवर किया था और इसको अपना नाम दिया था, तो उसको हम कहते हैं एस। तो ये था आज का लेक्चर हमारा राइबोसोम के हवाले से। अब लेता हूँ इजाज़त, मुलाकात होगी एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।